दोस्तों आज समस्तीपुर जिले के उन जानकारियों को शेयर करने वाला हूं जिसे आप बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए। समस्तीपुर भारत गणराज्य के बिहार प्रांत स्थित दरभंगा प्रमंडल का एक शहर एवं जिला है। इस जगह के शिक्षा का माध्यम हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल में मैथिली एवं बज्जिका बोली जाती है। मिथिला क्षेत्र के परिधि पर स्थित यह जिला उपजाऊ एवं कृषि पर निर्भर है। समस्तीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मंडल भी है। समस्तीपुर को मिथिला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार समस्तीपुर जिले की कुल आबादी 42,54,782 है और यह जिला 2,904 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता दर की बात करें तो इस जिले की साक्षरता दर 63.81 है। इस जिले में कुल आबादी का 89.18% हिंदू एवं 10.26% मुस्लिम आबादी निवास करती है। बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट के आधार पर इसे दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 14 नवंबर 1972 ईस्वी को जिला बना दिया गया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हुए स्वतंत्रता आंदोलन में समस्तीपुर के क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ के कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ का सारा क्षेत्र मैदानी एवं उपजाऊ क्षेत्र है, किंतु हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बरसात के दिनों में बाढ़ लाती है जिसमें काफ़ी नुकसान होता है। यह जिला 4 अनुमंडल, 20 प्रखंड तथा 380 पंचायतों व 1,248 गांव में बटा हुआ है। समस्तीपुर के मध्य में बूढ़ी गंडक, उत्तर में बागमती एवं दक्षिणी तट पर कमला नदी बहती है। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा नामक जगह पर स्थित है। समस्तीपुर देश के मुख्य जगहों से राजमार्ग व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप हवाई मार्ग से सीधे पटना से आ सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।